यहाँ आपके पास चार एलिमेंट दिया हुआ है, जहाँ पे दो एलिमेंट जो है ए और बी सेम पीरियड में है, उसके नीचे का जो ग्रुप का एलिमेंट है सी और डी दिया हुआ है, और आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे ए और बी सेम पीरियड में है, और ए के नीचे सी है और सी के नीचे क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ बोला गया सब पे यहाँ पे डैश का सिंबल लगा हुआ, तो डैश हम लोग लगा लेते हैं। तो पहला बोला गया ऑर्डर ऑफ एटोमिक रेडियस। तो ध्यान देना, जैसे जैसे आप पीरियड मूव करते हो रेडियस क्या हो, घटता है, यानी बी और जैसे डाउन द ग्रुप पे मूव करते हो तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ए और सी में से किसका रेडियस बड़ा होगा, तो सी का रेडियस बड़ा होगा। ए और बी में किसका रेडियस बड़ा होगा, तो बी का रेडियस बड़ा होगा। ठीक है, और सी और डी में आपका रेडियस बड़ा किसका होगा, सी का होगा। और डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो साइज का जो चेंज है वो ज़्यादा रैपिडली होता है, इसलिए जो डी होगा ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो साइज जो होगा सबसे छोटा होगा बी का, बी से ए से डी, और डी से फिर क्या होगा, सी होगा। इसका मतलब पहला जो आपका स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई बी ए डी सी ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट जानेंगे ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। तो जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो आपका मेटालिक करेक्टर क्या होता है, तो अलोंग द पीरियड मेटालिक करेक्टर क्या होता है, घटता है, और डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है। यानी कहीं ना कहीं ये रेडियस का ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो आपका बी और ए में मेटालिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, ए का, तो बी से बड़ा ए होगा, और डाउन द ग्रुप में बढ़ेगा तो क्या होगा, डी और सी, ए और डी में से डी का ज़्यादा होगा। ठीक, और डी और सी में से फिर से ज़्यादा किसका होगा, सी का ज़्यादा होगा। यानी आपका जो ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर भी है उसका ऑप्शन भी क्या हुआ, करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं साइज ऑफ एलिमेंट। तो साइज ऑफ एलिमेंट हम लोग रेडियस से बताते हैं, तो जो रेडियस का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होना चाहिए था साइज ऑफ एलिमेंट का, पर आप देखोगे वो ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपका जो साइज ऑफ एलिमेंट है ये आप इसको हटा सकते हो, यानी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला है ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर होगा वो आपके एटॉमिक रेडियाई से मैच करेगा, यानी सेम रेडियाई होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी आपका जो ए बी एंड डी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा फोर्थ नंबर। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।